एवरीवन, ये वीडियो एक मैं बना रहा हूँ ऑन हाउ टू एक्सटेंड योर वाईफाई रेंज। तो फिलहाल अभी मैं एक मेन राउटर यूज़ कर रहा हूँ जो मेरे दूसरे रूम में लगा हुआ है, वो भी एक ड्यूल बैंड राउटर है। और ये वाला भी फिलहाल एक ड्यूल बैंड राउटर है, लेकिन वो जो नया राउटर है वो जीगाबिट स्पीड को सपोर्ट करता है, तो अप टू 800 प्लस Mbps मैं उससे यूज़ निकाल पाता हूँ। तो फिलहाल मैं सोच रहा था कि मैं अपने पूरे घर के अंदर और आसपास वाईफाई कनेक्टिविटी इंक्रीज़ कैसे करूँ। तो उसके लिए मैं अपना जो पुराना राउटर है वो मैं कनेक्ट कर रहा हूँ लैन केबल के थ्रू, जो मेरी IV है मेन राउटर से, जिसमें मेरा इंटरनेट लगा हुआ है। तो ये देखो, ये एक लैन केबल है जो दूसरे रूम तक जा रही है और वहाँ से कनेक्शन इस वाले राउटर में आ रखा है। ये रही, और जो दूसरी केबल है ये इथरनेट केबल है, ये मेरे PC में जा रखी है। तो फिलहाल PC थोड़ा सा ऊपर से गंदा हो रखा है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम इसको अब कॉन्फ़िगर करेंगे और मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको कॉन्फ़िगर करना है, ताकि आप दोनों राउटर यूज़ कर पाए और आपकी कवरेज बढ़ जाए। तो जहाँ पे आपकी दूसरे रूम में जो लगा हुआ है राउटर, अगर उसकी रेंज ख़त्म हो जाती है तो आप इस पर स्विच कर लो, जो नेटगेयर का जो अपडेट जो वाईफाई कनेक्शन होगा, तो उससे आप और भी थोड़ा ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हो और वाईफाई कनेक्टिविटी ले सकते हो। तो देखो, ये ऐसे सेटअप करना है। तो बेसिकली सबसे पहले आपको राउटर के लॉगिन पेज पे जाना है, यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है और इसको आप अप्लाई कर दो। ओके, मेरे पास ऑलरेडी मैंने पासवर्ड डाला हुआ है, तो मैं इसको फिलहाल स्किप करता हूँ। तो आप इसमें कोई भी राउटर यूज़ कर सकते हो एक्सटेंड करने के लिए, ज़रूरी नहीं नेटगेयर, आप कोई बेसिक आपका कोई पुराना राउटर पड़ा हो वो भी आप कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आप जाओ इंटरनेट पे, इंटरनेट सेटिंग पे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहला ऑप्शन है डज़ योर इंटरनेट कनेक्शन रिक्वायर लॉगिन। तो फिलहाल जो लॉगिन और पासवर्ड जो भी होता है वो मेन राउटर में लगा हुआ है ऑलरेडी मेरा, जो IS मेरा इंटरनेट प्रोवाइडर देता है, क्योंकि ये मैं लैन से ले रहा हूँ यहाँ पे। तो फिलहाल इसमें कोई यूज़र नेम पासवर्ड नहीं चाहिए होगा, तो इसमें नो करो आप। सेकंड है अकाउंट नेम, इसमें आपको ये आपका राउटर नेम है। डोमेन नेम आप ब्लैंक छोड़ सकते हो। नाउ थर्ड ऑप्शन है इंटरनेट IP एड्रेस, इसको आप हमेशा गेट डायनामिकली फ्रॉम ISP आप चूज़ करो, जब आपको वाईफाई को यूज़ करना है एज ए एक्सटेंडर। नाउ डोमेन नेम सर्वर, ये आपका गेट ऑटोमेटिक फ्रॉम ISP, और राउटर मैक एड्रेस यूज डिफॉल्ट एड्रेस, सो इट डजंट मैटर। जब आप ये करोगे तो आप इसको अप्लाई करो। ये थोड़ा टाइम लेगा, कुछ सेकंड्स। मेरे पास एक और राउटर है, ये बेसिक राउटर 50 Mbps की स्पीड, इसमें मैक्सिमम आप ले सकते हो। तो अगर लेट्स से मेरा 3 BHK है या फिर 4 BHK या रूफ भी है, तो आप इसको लैन केबल के थ्रू एक रूफ पे भी कनेक्ट कर सकते हो, एक छोटा सा 600 रुपये, 500 रुपये या 300 रुपये तक में भी आ जाएगा अगर आप यूज़ लोगे तो। न्यू आपको वैसे 500 रुपये तक मिल जाएगा।
तो इसमें आप अप टू 50 Mbps की स्पीड आप ले सकते हो इसको भी एज ए एक्सटेंडर बना के। नाउ द मेन इश्यू जो एक रेगुलर एक्सटेंडर होता है उसमें और इसमें ये होगा डिफरेंस कि जब भी आपकी नेटवर्क रेंज ख़त्म होगी तो आपको मैनुअली स्विच करना होगा वाईफाई। लेकिन अगर आप जैसे न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है मैश टेक्नोलॉजी वाईफाई मैश, उसमें ऑटोमेटिकली वो सिस्टम स्विच कर देता है, आपको मैनुअली कुछ करने की ज़रूरत नहीं। यही एक डिफरेंस होगा। लेकिन हाँ, इसमें आपको कॉस्ट काफ़ी बचेगी। अगर आप रेगुलर एक्सटेंडर खरीदोगे एक्सटेंडर डिवाइस तो वो आपको 2500 रुपये तक में पड़ेगा। लेकिन अगर आप कोई भी पुराना वाईफाई राउटर यूज़ करोगे तो आपका कॉस्ट आपको कुछ देना नहीं पड़ेगा और आप काफ़ी कवरेज भी ले सकते हो। तो ये फ़िलहाल हो गया है, इसको मैं बंद करता हूँ। तो फ़िलहाल ये ड्यूल बैंड राउटर है तो मेरे को फ़िलहाल ये स्पीड मिल रही है। मैं आपको दोबारा टेस्ट करके दिखाता हूँ। सिर्फ ड्यूल बैंड राउटर है और 100 Mbps मैक्सिमम सपोर्ट करता है, तो इसमें आपको मैक्स टू मैक्स 100 Mbps ही मिलेगी। So, thank you for watching. Have a good day ahead. Bye-bye.